A dangerous game is about to begin. उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ऑपरेशन गुजरात क्या डूबते को है दंगे का सहारा? बी अफ्रेड, बी वेरी अफ्रेड। और इस देश का आम नागरिक होने के अलावा, डरने के अलावा आपके पास चारा भी क्या है? आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। हर बार की तरह आपके सामने घटनाक्रम हो रहा है, मगर या तो मीडिया ने या तो फिर आपने खुद ने अपनी आंखों के सामने पर्दा डाल रखा है। आज न्यूज चक्र में क्या है खास? क्या 2002 के गुजरात दंगों के रास्ते से सत्ता की तरफ बीजेपी का रास्ता जाता है? और आखिर बीजेपी के यूपी के नए चुनाव प्रभारी गोर्धन झड़फिया और बुलंदशहर के टकराव में क्या लिंक है? इन तीन तस्वीरों पर गौर कीजिए। एक तस्वीर में है गोर्धन झड़फिया, जो कि गुजरात के उस वक्त होम मिनिस्टर थे जब गुजरात में दंगे हो रहे थे, और अब इन्हें यूपी में बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। दूसरी तस्वीर बुलंदशहर की है, जहां पर गौ हत्या के बाद जबरदस्त तनाव हुआ और सुबोध कुमार सिंह नाम के एक पुलिस ऑफिसर की हत्या कर दी गई। तीसरी तस्वीर आपके सामने है, और यह है विश्व हिंदू परिषद किस तरह से पहले अयोध्या और बाद में दिल्ली में राम मंदिर को लेकर तापमान बढ़ाने की कोशिश करती है, आक्रामक होने की कोशिश करती है। आज मेरा सवाल है एक बीजेपी के साथ कि क्या आपको चुनाव प्रभारी के तौर पर गोर्धन झड़फिया ही मिले थे? एक ऐसे राज्य में जहां पर मुजफ्फरनगर दंगों का इतिहास है, एक ऐसे राज्य में जहां बात बात पर कासगंज जैसा टकराव हो जाता है, बुलंदशहर जैसा टकराव हो जाता है, सवाल यहां पर यह भी किया जाना चाहिए कि एक ऐसा राज्य जहां पर कट्टर हिंदुत्ववादी ताकतें सक्रिय हैं, क्योंकि इस वक्त राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, क्या ऐसे राज्य में गोर्धन झड़फिया को चुनावी इंचार्ज बनाया जाना चाहिए? बीजेपी और गोर्धन झड़फिया के इस खेल को समझने के लिए आपको इस तारीख पर गौर करना होगा, 2 मार्च 2002, भावनगर। गुजरात नरसंहार का वो वक्त जब राहुल शर्मा भावनगर जिले में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे। ये वहां पर 180 सशक्त पुलिस बल के मुखिया थे, और उन गिने चुने पुलिस ऑफिसर्स में थे जिन्होंने 2002 में अपनी भूमिका सही तरीके से निभाई थी, और इनकी तारीफ उस वक्त के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एलके आडवाणी ने भी की थी। मगर उस दिन उनके सामने एक बहुत कठिन चुनौती थी। वो भावनगर के पास स्थित एक मदरसे के सामने थे, और 10,000 की एक आक्रामक भीड़ उस मदरसे की तरफ बढ़ रही थी। राहुल शर्मा ने उन्हें चेतावनी दी, मगर भीड़ सुनने को तैयार नहीं थी। आखिरकार राहुल शर्मा को गोली चलवानी पड़ी, जिसमें कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग घायल हुए। मगर आप जानते हैं, जहां एक तरफ आडवाणी ने उनकी तारीफ की, वहीं मोदी उनसे खासे नाराज थे। किंशुक नाग ने लिखा है कि मोदी ये कह रहे थे कि राहुल शर्मा हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। मगर अब मैं आपको बताता हूं कि गोर्धन झड़फिया, जिन्हें यूपी का बीजेपी का इंचार्ज बनाया गया है, उस वक्त उन्होंने क्या कहा था। गोर्धन झड़फिया ने कहा था कि पुलिस फायरिंग में जितनी तादाद में हिंदू मारे गए हैं वो सही नहीं था, इस रेशियो को ठीक किया जाए, यानी कि जितने हिंदू मारे गए हैं उतने ही मुसलमान मारे जाएं। यह हाल है राज्य के एमओएस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स का। अच्छा राहुल जी, मेरा पहला ये सवाल था, गोर्धन झड़फिया जो है अब वो यूपी इंचार्ज बना दिए गए हैं चुनावों के लिए, एक इतिहास रहा है और आपके साथ भी एक इतिहास रहा है भावनगर का। मैं आपसे पहला सवाल यही करना चाहता हूँ, जो ऑफकोर्स आप कह चुके हैं, बट रिकॉर्ड के लिए मैं पूछना चाहूंगा, जब आपसे उनका संपर्क हुआ था पहली बार, उस वक्त को आप कैसे याद करते हैं, उन्होंने क्या कहा था आपसे? ये मीटिंग हुई थी मेरे ख्याल से मार्च में, भावनगर गुजरात में ट्रेन बर्निंग हुआ था 27 फरवरी को, और गुजरात में जो दंगे हुए थे 28 फरवरी से शुरू हुए थे। भावनगर में दंगा हुआ था वो 1 मार्च को हुआ था। उसके कुछ दिन के बाद
एग्जैक्ट किसी को मुझे देखना पड़ेगा रिकॉर्ड से, लेकिन उसके कुछ दिन के बाद गोल्डन भाई आए थे इसमें मेरे ख्याल से सर्किट हाउस में, उससे मिले थे और मुझे तभी ठीक से नहीं याद आ रहा है कि फ़ोन पर बात हुई थी या सर्किट हाउस से बात हुई थी, अगर रिकॉर्ड देखना पड़ेगा मैं रिकॉर्ड हूँ, तो उसमें उन्होंने कहा यही कि तुम्हें तो गुजराती में बोला कि तुम्हें तो आम काम सारू करिए, मतलब आप तो काम तो आपने अच्छा किया, सिर्फ जो पुलिस फायरिंग जो रेशियो है वो ठीक नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा मुझे। ये मिनिस्टर स्टेट फॉर होम थे, उससे ये बड़ा ही अचरज की बात है। तो मैंने उनको ऐसे ही जवाब दिया कि साहब जब दंगा होता है तो गोली धर्म को नहीं देखती है, जितने जिस प्रमाण में दंगाई है उस प्रमाण में लगती है। बीजेपी नेता भी उस वक्त ये शिकायत करते हैं कि गोधरा को लेकर हिंदुओं को अपनी भड़ास निकालने का मौका राहुल शर्मा ने नहीं दिया। ये शब्द उस शख्स के हैं जो उस वक्त गुजरात के मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स थे और अब इस शख्स को यूपी का चुनावी प्रभारी बनाया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोर्धन जड़फिया का रिश्ता दरअसल विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तुगड़िया के साथ था, जिसके कार्यकर्ता 2002 के दंगों के दौरान सड़क पर उत्पात मचा रहे थे। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि पारंपरिक सियासत से, बीजेपी की जो पारंपरिक सियासत है उससे गोर्धन जड़फिया का कुछ खास लेना देना नहीं है। गोर्धन जड़फिया के जिंदगी में एक नया मोड़ आता है दिसंबर 2002 के बाद, जब मोदी उन्हें कैबिनेट से ड्रॉप कर देते हैं। यही वो वक्त है जब गोर्धन जड़फिया बागी हो जाते हैं, वो धमकाने लगते हैं, वो ये धमकी देते हैं कि नानावटी आयोग के सामने वो सबका पर्दाफाश कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित SIT में वो मोदी का नाम ना लें, उसके लिए RSS और बीजेपी के नेता उन पर दबाव बनाना शुरू करते हैं और उन्हें पार्टी में वापस लाने की कोशिश करते हैं। इन नामों पर गौर कीजिए, यह है RSS नेता मुकुंद देवभांकर, भास्कर राव दामले, प्रवीण मनियार। ये तीनों RSS के नेता गोर्धन जड़फिया से राजकोट में मुलाकात करते हैं। मकसद यह है कि उन्हें मनाया जाए और मोदी का नाम ना लें। और न सिर्फ ये तीन RSS नेता बल्कि RSS आइडियोलॉग S. गुरुमूर्ति और K. गोविंदाचार्य भी उन्हें कहते हैं कि तुम SIT में मोदी जी का नाम ना लो। जड़फिया की वापसी आखिरकार बीजेपी में 2014 में हो जाती है। आज मेरे कुछ सवाल है बीजेपी के साथ। सवाल नंबर एक, क्या जड़फिया के सहारे मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है? क्या राजनीतिक माहौल को भड़काने की कोशिश की जा रही है? सवाल नंबर दो, क्या विकास के मुद्दे को बीजेपी ने तिलांजलि दे दी है? सवाल नंबर तीन, कि क्या अब 2019 का चुनाव हिंदू मुसलमान होगा? तो गोर्धन जड़फिया अब ऐसे ऐसे हालात में जब उत्तर प्रदेश आए हैं तो सियासत के लिए कितना खतरनाक मौका है, कितना खतरनाक संदेश है उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए? ये देखिए, ये सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। और जो 2002 के दंगे के बारे में कहा जाता है दैट इट वाज पॉलिटिकली इंस्पायर्ड, तो ये जो बोलते हैं ना, मतलब माफ कीजिएगा लेकिन बोलते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, यहाँ डूबते को दंगों का सहारा भी हो सकता है। हेलो, जी 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 सुन रहा हूँ मैं। तो डूबने क्या है, मतलब पॉलिटिकल स्टेक्स बहुत हाई है इसमें। एंड अगर आप मुझसे पूछे कि सबसे महत्व का राज्य कौन है इस समय, ये उत्तर प्रदेश है। डूबते को दंगे का सहारा, क्या खूब कहा राहुल शर्मा ने। अब आपको गोर्धन जड़फिया की मौजूदगी को समझने के लिए बुलंदशहर में उस वक्त टकराव कैसे हुआ था 3 दिसंबर को, उसकी टाइमलाइन पर गौर करना होगा। सिलसिलेवार तरीके से मैं 10 घटनाएं आपके सामने पेश कर रहा हूं 3 दिसंबर को हुआ क्या था, और फिर आप गोर्धन जड़फिया की मौजूदगी को भी समझेंगे। पॉइंट नंबर एक, 3 दिसंबर को गन्ने के खेत के ऊपर गाय के टुकड़ों की नुमाइश की जाती है। देखिए, जो भी शख्स गाय को चोरी करके उसे काटेगा उसकी नुमाइश क्यों करेगा?
जाहिर सी बात है नुमाइश वही शख्स कर रहा है जो चाहता है कि माहौल में अराजकता हो और दंगे फैले। पॉइंट नंबर टू, पुलिस गाय के उन टुकड़ों को दफनाना चाहती है। मगर फिर पॉइंट नंबर तीन, बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच जाते हैं, गाय के उन टुकड़ों को वो ट्रैक्टर में लादते हैं और उसे शहर में घुमाते हैं, उसे चौराहे तक ले जाते हैं। पॉइंट नंबर चार, बजरंग दल की शिकायत पर कुछ मुसलमान गिरफ्तार होते हैं जिनमें कुछ नाबालिग भी होते हैं, बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर पांच, इस तनाव की खबर स्थानीय गुप्तचर एजेंसी LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट लखनऊ को देती है, मगर क्या आप जानते हैं उस खबर को लखनऊ में दबा दिया जाता है। और यह मेरा पॉइंट नंबर सिक्स है, इस बीच वहां तनाव लगातार बढ़ रहा है। अचानक पॉइंट नंबर सेवन, एक बस में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भर कर लाया जाता है। कौन लेकर आया, कहां से आए, क्या कोई प्लानिंग थी? और इसी से उभरता है मेरा पॉइंट नंबर एट, इसी चौराहे से मुसलमानों का जो धार्मिक जुलूस है इज्तिमा, वो रैली निकलने वाली है। इज्तिमा की भीड़ वहीं से गुजरने वाली है। आप सोचिए, एक तरफ उस ट्रैक्टर में गौवंश के टुकड़े हैं और वहीं से मुसलमानों की भीड़ भी गुजरने वाली है। अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए, और यह हमारा पॉइंट नंबर नाइन है, बहुत अहम पॉइंट है, अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए प्रशासन इज्तिमा की जो रैली है उस रास्ते को ही बदल देता है, यानी कि टकराव नहीं होता। मगर इस बीच सुबोध कुमार सिंह को मार दिया जाता है। गोवर्धन जड़फिया को एक ऐसे उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है जहां पर इस तरह से सांप्रदायिक तनाव जो हैं प्लान किए जा रहे हैं। उन्हें एक ऐसे उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है जहां के सीएम कहते हैं कि गाय को किसने मारा यह ज्यादा जरूरी है, सुबोध कुमार सिंह को किसने मारा यह जरूरी नहीं है। वो जड़फिया जिन्होंने कहा था कि जितने हिंदू मारे गए हैं उतने ही मुसलमान भी मारे जाएं। आप बीजेपी के सपोर्टर हो सकते हैं, मगर जब इस तरह का खेल खेला जा रहा है तो क्या आपको डर नहीं लगता? बताइए, क्या आपको डर नहीं लगता? देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य हो गया है जहां मोदी जी की रैली से कुछ दूर निषाद समुदाय से जुड़े लोग एक पुलिस वाले को पत्थर मार मार के लिंच इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनके जहन में सरकार को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। आप देखिए किस तरह से पुलिस वाला उस घटना की बात सामने रख रहा है। सरकार ने तो क्या उम्मीद की है कि और लोग क्या करेंगे, बस पंचनामा कर दो, मुआवजा दे दे रहे हैं, मुआवजा देने से जिंदगी आ जाएगी किसी की। इसके आंखों के डर को देखिए, ये किस तरह से हकला रहा है ये देखिए। मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, इस वक्त आप उत्तर प्रदेश के किसी भी पुलिस ऑफिसर से ऑफ द रिकॉर्ड बात कीजिए, जानते वो क्या कहते हैं कि अरे इससे बेहतर तो अखिलेश यादव का राज था। जो हालत इस वक्त वहां पर पुलिस की हो रही है, यूपी में डर इसलिए भी आपको लगना चाहिए क्योंकि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर राजा राम यादव, इन्होंने खुलेआम स्टूडेंट्स को कहा कि तुम मर्डर करो। अगर आप पूर्वांचल विश्वविद्यालय के छात्र हो तो रोते हुए मेरे पास कभी मत आना। एक बात बता देता हूं, अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो उसकी पिटाई करके आना, और तुम्हारा वक्त चले तो उसका मर्डर करके आना, इसके बाद हम देख लेंगे। क्या आप इस सज्जन को अपनी पार्टी में जगह देंगे? क्या आपको अंदाजा है, चाहे पुलिस हो चाहे एकेडमिक्स हो, हर तरफ एक अजीबोगरीब अराजकता है। और मैं अपने दिमाग की उपज आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बाकायदा तथ्यों के साथ पेश कर रहा हूं। और ऐसे ही इस यूपी में गोवर्धन जड़फिया का प्रवेश हो रहा है। यह सवाल अमित शाह जी से है, यह सवाल आरएसएस से है कि क्या आपके पास किसान नेता नहीं है? क्या आपके पास ऐसे रणनीतिकार नहीं है जो आपको दोबारा 73 सीटों तक पहुंचा दें? क्या नफरत के सहारे, क्या लोगों को बांटने के सहारे ही आप इस शिखर तक पहुंचेंगे? क्या यह सवाल उठाए जाने जायज नहीं है? और न्यूज चक्र में हम यह सवाल आपके सामने क्यों रख रहे हैं दोस्तों? क्योंकि हमें इस देश की जनता की सुरक्षा की परवाह है। शायद हमारे सत्ता पर बैठे लोगों के लिए यह दोयम दर्जे की बात है, यानी कि प्रायोरिटी में नहीं है, प्रायोरिटी में दूसरे नंबर पर है। लिहाजा आप सबको सोचने की जरूरत है।
तो हर बार की तरह हमारा वादा आपसे यह है कि न्यूज चक्र में हम वो मुद्दे उठाते हैं जो आपसे छुपाए जाते हैं। हम सत्ता के पीछे बैठे लोगों के खेल को आप तक पहुंचाना चाहते हैं और अपने इस वादे पर हम अटल हैं। और अंत में आप सबसे एक अपील कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।